हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 24 के बारे में, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और यह जो है दोस्तों पार्ट 4 होगा। इसके पहले 3 पार्ट और आ चुके हैं, तो जो कोई भी उन पार्ट्स को नहीं देखा है उसको भी देख ले। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, यह आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, इसके संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे को माना जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक चीज और याद करके रखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक मतभेद है, ठीक है। मतभेद क्या है कि यह जो प्रार्थना समाज संस्था थी, इसके जो है संस्थापक आपको कहीं कहीं पे महादेव गोविंद रनाडे मिलेंगे और कहीं कहीं पे आत्माराम पांडुरंग मिलेंगे। जो सही उत्तर है वह है आपका आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो वैसे आपको ज्यादा करके ऑप्शन में जो है दोनों में से एक ही आएंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है। या तो आत्माराम पांडुरंग आएंगे या तो महादेव गोविंद रनाडे आएंगे, तो उत्तर दोनों ही सही है। रीजन मैं बताता हूं आपको कि क्यों दोनों उत्तर सही हैं, कैसे दोनों सही हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो प्रार्थना समाज थी ना, इसकी स्थापना 1867 में हुई थी, ठीक है। और जो यहाँ पे आप महादेव गोविंद रनाडे की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये 1869 में, मतलब कि 2 साल बाद इस संस्था से जुड़े। तो वास्तव में जो है, तो इनके संस्थापक कौन थे, जो है आत्माराम पांडुरंग जी थे, ठीक है। क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में ही हो गई थी बंबई में, और आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी 1867 में। लेकिन महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। तो आप लोग कहेंगे कि फिर हम लोग महादेव गोविंद रनाडे को क्यों संस्थापक मान रहे हैं। होता क्या है ना दोस्तों, कि जब कोई भी संस्था अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो उस टाइम पीरियड में जो भी उस संस्था का मेन हेड रहता है, उसे जो है हम लोग उसका संस्थापक मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए महादेव गोविंद रनाडे को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट होता है, तो आपको दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करना रहेगा, और दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। या तो आत्माराम पांडुरंग आएगा या तो महादेव गोविंद रनाडे। आगे देखते हैं, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था, ठीक है। रनाडे का सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में उनके दो अन्य सहयोगी भी थे, कौन कौन था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, दो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री, ये दोनों लोग जो है इनके साथ जुड़े हुए थे। और रनाडे तथा कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया, और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की, जो है विधवा आश्रम संघ की स्थापना की, ठीक है। और इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचिकाओं, ठीक है, और अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। और धोधो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे, क्या थे, विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे, ठीक है। और रनाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी किया जाता है, महादेव गोविंद रनाडे का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो अभी अभी तो हम लोग पढ़े ऊपर कि एक्चुअली में जो है आत्माराम पांडुरंग ने जो है इस जो है संस्था का स्थापना किया था। प्रार्थना समाज संस्था जो थी, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था, 1867 में, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे जो है हम लोग महादेव गोविंद रनाडे को मानते हैं प्रार्थना समाज का संस्थापक, और यह जो है 1869 में इस संस्था से जुड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देव समाज का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, देव समाज का संस्थापक जो था, यह शिव नारायण अग्निहोत्री को माना जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी, ठीक है। और ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे, कौन थे, ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। और इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। कौन सी पुस्तक का नाम था, देवशास्त्र, इस पुस्तक में जो है संकलित किया गया है, ठीक है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की निरअमरता, ठीक है, और गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 ईस्वी के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता जो है समाप्त हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ज्योतिबा फूले ने सत्य समाज की स्थापना की थी कब, 1873 में। तो हम लोग सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज्योतिबा फूले जी के बारे में। ये देखिए, ये हैं ज्योतिबा फूले, ठीक है, ये उनकी तस्वीर है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं ज्योतिबा फूले जी को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों ज्योतिबा फूले का जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था, 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। ज्योतिबा फूले के परिवार की कई पीढ़ियां पहले से ही सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे बनाने आदि का काम किया करती थी, इसलिए माली के काम में लगे इन लोगों को फूले के नाम से जाना जाता था। ये जो फूले थी ये इनकी जाति नहीं थी जो है, ये लोग माली का कार्य करते थे, इस वजह से इन्हें ज्योतिबा के आगे फूले जो लगा हुआ है, इस वजह से इन्हें फूले के नाम से जाना जाता था। कुछ वक्त तक ज्योतिबा फूले ने मराठी में अध्ययन किया था, लेकिन बाद में उनकी पढ़ाई छूट गई और 21 वर्ष की उम्र में आकर उन्होंने सातवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। ज्योतिबा फूले ने ज़्यादातर महिलाओं और विधवाओं के कल्याण और विकास के लिए काम किया और महिलाओं की परिस्थितियों को सुधारने के लिए उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल बनाया। क्या बनाया, ये 1848 में एक स्कूल खोला ज्योतिबा फूले ने, ठीक है जो है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यह ऐसे महान काम के लिए खोला गया, देश का पहला स्कूल था। इतनी ही नहीं, ज्योतिबा फूले ने निचली जातियों के लिए दलित शब्द का गढ़ने का भी काम किया था, और साथ ही उन्होंने 1873 के सितंबर महीने में सत्यशोधक समाज नामक संगठन का निर्माण किया था। तो यही हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे हैं 1873 में, क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके आगे चर्चा करते हैं, ठीक है जो है। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो दोस्तों ज्योतिबा फूले ने 1873 में सितंबर महीने में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इतना ही नहीं, ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्री बाई फूले भी एक समाज सेविका थीं, और जिन्हें भारत की पहली महिला अध्यापिका और नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता के रूप में जाना जाता है। ये पूरे भारत की पहली महिला अध्यापिका थीं, ठीक है, और नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता के रूप में जाना जाता था। और उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे कि तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि किताबें लिखी थी, बहुत सारी किताबें लिखी थी इन्होंने। साथ ही उनकी समाज के प्रति सेवा देखकर 1888 की एक विशाल सभा में महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। ज्योतिबा फूले को किसकी उपाधि दी गई थी, महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, 1873 ईस्वी में दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, और इनका जन्म 1827 ईस्वी में सितंबर के महीने में, अप्रैल के महीने में हुआ था, 11 अप्रैल को, ठीक है, 1827 में, और एक माली के घर पर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया, और इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में 1872 में जो लिखी गई थी, एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो दोस्तों गुलामगिरी अभी अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने लिखा था ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था, तो कौन चलाया था दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक आंदोलन चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो दोस्तों पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। ये तो अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं, पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी, और यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए
चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों का सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। कौन कौन सी पुस्तक? सार्वजनिक सत्य धर्म एक पुस्तक का नाम था और दूसरे का नाम क्या था? गुलामगिरी। इन दोनों ही पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे यह शिव दयाल साहब थे। कौन थे? शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे इन्होंने की थी। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता संतों के साथ सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं और यह पंथ मंदिरों तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। गोपाल के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था लोकहितवादी। ठीक है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख जो कि 1823 से 92 इनका टाइम पीरियड था लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख को 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे और ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक भी थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया था और उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा का प्रसार पक्ष लिया और ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली दरबार में। ठीक है, और क्या वस्त्र धारण किया था इन्होंने? तो खादी के वस्त्र को जो कि हाथ से बनाया गया था, मेड इन बाय हैंड, ठीक है, उसको जो है पहन के 1876 में दिल्ली के दरबार में जो है भी उपस्थित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया तो कौन किया था? दोस्तों विष्णु परशुराम पंडित ने। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व कौन किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया और उन्होंने वर्ष 1850 में विंडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सी सोसाइटी की? तो विंडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। और दोस्तों एक व्यक्ति थे B.M. मालाबारी, ठीक है, इन्होंने बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बाल विवाह जो है प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो B.M. मालाबारी। नेक्स्ट हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे तो कौन था? दोस्तों बहराम जी एम मालाबारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे और उनका जन्म जो है बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। और इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन भी किया था। ठीक है, 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम। कौन सा अधिनियम? सम्मति आयु अधिनियम, बोले तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, कौन सा? एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था।
नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो अभी अभी तो हम लोग डिस्कस किए हैं कि 1891 में हुआ था। ये लाइन भी दिख रही है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम बोले तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। किसके? बहराम जी एम मालाबारी के प्रयासों से, ठीक है, 1891 में। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप लोग इनका नाम सुने होंगे, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक अथक संघर्ष किया था और इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में भी विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई है। जो विधवा पुनर्विवाह है इसे वेदों में भी मान्यता दी गई, ऐसा कौन जो है साबित किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब? 26 जुलाई 1856 को, ठीक है। ऐसा नियम पारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके ही दया दृष्टि से ये अधिनियम जो है पारित हो पाया था, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं संपूर्ण आधुनिक इतिहास, ठीक है, घटना चक्र का सार एग्जाम टेन चैनल पे। और दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो है अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बेल आइकन भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी इसको क्लिक करेगा उसको हमेशा जब भी मेरे नए वीडियो जाएंगे तो उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, थैंक यू सो मच।